हाँ जी, मेरे कार्यकाल में सबसे पहले तो पंचायतों के को ऊपर से आदेश आए थे, जितना भी फंड लगाया जाएगा आप अपनी इनकम के स्रोत जनरेट कीजिए। ऑलरेडी मेरे पास एक हार्ट है जिसके द्वारा मेरे को एक इनकम अपनी निजी आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे हार्ट ग्राउंड में कुछ दुकानों का निर्माण मैं कर रही थी, 25 दुकानों का निर्माण करना था, जिसमें कि गाँव के द्वारा ही कुछ विरोध हुआ, फंडिंग की परेशानी आई, तो इसके कारण मुझे 6 दुकानें मैंने लगभग कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा काम मैं सोचती हूँ कि पंचायत के लिए हमने ये किया कि एक आय बढ़ाने का। देखिए सीसी रोड़े तो हमेशा बनती है टूटती है, लेकिन एक परमानेंट अगर हम इनकम जनरेट कर लेते हैं तो आज के टाइम में परफॉर्मेंस ग्रांट, और सबसे खुशी की बात है कि मेरे गांव को परफॉर्मेंस ग्रांट भी मिलने वाली है, मिली तो नहीं है लेकिन स्वीकृत हो चुकी है, जिसका भी यही काम है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसका पैसा लगाया जाए, पैसा लगाया, पैसा काफी अच्छा पैसा है, और सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। आज मैं ये देखती हूँ कि गाँव में जो सबसे बड़ी समस्या कूड़ा कचरा और गंदे पानी की है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि नहरों में नालियों में आपने गंदा पानी नहीं डालना, कूड़ा नहीं डालना है। मेरी जो पंचायत है बहुत घनी पंचायत यहाँ बसी हुई है, यहाँ लोगों ने 100 गज में अपनी जगह बनाया है, बहुत सारे किराएदार यहाँ रहते हैं, तो गंदगी का अंबार लगा रहता है। अगर हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम काम कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी हमें कूड़े की, क्योंकि इससे पहले हमारा कूड़ा सबसे पहले कार्यकाल में जब हम प्रधान जी बने तो हमारे क्षेत्र में कूड़ों का अंबार लगा हुआ था, जिससे बहुत बदबू बीमारियों का था। इसके जैसे ही हम प्रधान बने तो एक एनजीओ के माध्यम से हमने अपने गाँव का कूड़े का प्रबंधन एनजीओ को दिया, उसके द्वारा पर घर से 30 रुपए लेके कूड़े को ऋषिकेश ले जाया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल में ही ऋषिकेश नगर निगम में भी परेशानियां हुई, तो उन्होंने कूड़े अब बंद हो गया, तो अब हाल में हम बहुत बड़ी